तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जियो फोन लाइट की, क्या भाई ये अफवाह है या फिर सच में भाई जियो फोन लाइट आने वाला है। तो पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और पूरा सच बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जियो फोन लाइट है क्या। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जियो फोन लाइट जो वो लगभग 400 रुपये में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 50 रुपये का एक प्लान देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप मंथली रिचार्ज करा सकते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो जियो फोन लाइट होगा इसमें आपको डेटा वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब इसमें इंटरनेट वगैरह यूज़ करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग का फीचर देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप 4G के थ्रू कॉलिंग कर पाएंगे, VoLTE के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या भाई सच में होने वाला है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये खबर कहाँ से निकल के आई थी। तो एक्सक्लूसिवली 91 मोबाइल्स को किसी ने, जियो के इंटरनल सोर्सेस ने लीक करके बताई थी ऐसी बात कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वहाँ से ये बात जो है स्प्रेड होनी शुरू हो गई। तो जिस टाइम उन एक्सक्लूसिवली उन्होंने ये पोस्ट डाली थी तभी मैंने देख लिया था और मैंने फिर अपनी तरफ से इसके बारे में रिसर्च करी थी। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट करा था जियो को, मतलब जो जियो हमें इंटरनली हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जियो से कॉन्टैक्ट जो रहता है, तो मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे तो फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा उनको भी नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जियो जो चाहता है वो चाहता है कि जो नॉन इंटरनेट यूजर्स हैं उनको भी इंटरनेट पर लाना चाहता है। जियो फोन जो लॉन्च करा गया था वो इसी मकसद से लॉन्च करा गया था कि जो फीचर फोन यूज करते थे वो स्मार्ट फीचर फोन पर स्विच करें और वो भी इंटरनेट का यूज करना शुरू हो जाए। वो जो है वो सभी को इंटरनेट से जोड़ना चाहता है, जियो का ये एम है। तो वो नहीं चाहेगा ऐसा फोन लॉन्च करना जिसमें इंटरनेट हो ही ना। तो मुझे भी शुरू में जब मैंने वो सुना पढ़ा था, मुझे पता चला था, मुझे भी नहीं लगा था कि भाई जियो ऐसा लॉन्च करेगा। लेकिन हाँ, जियो फोन लाइट लॉन्च हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें आपको इंटरनेट का ऑप्शन देखने को ना मिले। हो सकता है वो जियो फोन जो है वो उसी का ही थोड़ा लाइटर वर्जन कर दे, उसमें कुछ चीज़ हटा दे और वही आपको KaiOS देखने को मिल जाए या फिर कोई और सा OS देखने को मिल जाए, जिसमें एटलीस्ट आपको ब्राउज़र तो देखने को मिलेगा ही और माई जियो की एप्लीकेशन तो देखने को मिलेगी ही। और यहाँ पर मैं, मुझे ये लग रहा है क्योंकि जियो फोन जो है, जो जियो फोन 1 है वो 699 का हो चुका है, लगभग 700 रुपये का आपको जियो फोन 1 देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है उसी में थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दे, उसमें आपका कैमरा जो है वो हटा दे या फिर एक कैमरा दे दे फ्रंट में या फिर बैक में, बैटरी तो मेरे ख्याल से वही रहने वाली है, और उसमें NFC जो भाई यूजलेस फीचर है। अभी तक जियो फोन में NFC दे रखा है लेकिन आज तक उसका एप्लीकेशन जियो ने नहीं दिया है कि हम NFC का यूज़ कर पाए। NFC का हार्डवेयर दे रखा था, तो शायद NFC को हटाकर उसके प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दी जाए और आपको जियो फोन लाइट देखने को मिल जाए, जो कि 400 रुपये में सेम जियो फोन जैसा ही होने वाला है। बस उसमें कुछ वो फीचर्स हटा देंगे, कुछ ऐसे हार्डवेयर्स हटा देंगे जिसकी वजह से आपका जियो फोन जो वो लाइट हो जाए, जो है उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, और हो सकता है उसमें प्रोसेसर भी चेंज कर दे, जैसे कि स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर देखने को मिलता है और स्नैपड्रैगन 205 देखने को मिलता है शायद जियो फोन में, जियो फोन 1 में, तो शायद कोई और सा प्रोसेसर जो कि थोड़ा और वीक हो, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो कम कर दी जाए। तो कुछ इस तरह से रैम वगैरह रिड्यूस कर, स्टोरेज वगैरह थोड़ी रिड्यूस करके शायद आपको जियो फोन लाइट देखने को मिल जाए। तो हाँ, जियो फोन लाइट आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरनेट ना मिले, शायद उसमें आपको इंटरनेट भी देखने को मिल जाए और प्लान भी शायद 50 रुपये का कोई नया प्लान जियो फोन के लिए लॉन्च कर दे। तो ये मेरे थॉट्स थे, शायद हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, शायद ऐसा ही हो जैसा लीक हुआ था कि जियो फोन लाइट आ जाए, उसमें इंटरनेट ना हो, सिर्फ कॉलिंग का हो, जैसा मुझे लगा। मैंने अपने ओपिनियन आपको शेयर करके बताया, तो आपको ये वीडियोस दिख रही होगी, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं और आपके क्या ख्याल है मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने कहा आपको भी ऐसा ही लगता है तो नीचे कमेंट करके बता देना, या फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है तो भी नीचे कमेंट करके बता देना। तो बस मिलते हैं बाद में।